दोस्तों हमारे साथ आज समीर भाई हैं और हम लोग दिल्ली में बैठे हैं। समीर और मैं, हम लोग कॉलेज में इकट्ठे होते थे और हम लोग एनसीसी में बहुत हमने लोगों ने अच्छा समय बिताया। समीर फिजिकली फिटनेस के एक्सपर्ट हैं और अपने करियर में इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। और आज मैंने ये सोचा कि हम लोग साथ बैठे हैं तो क्यों ना दोस्तों के लिए भी कोई बात निकाली जाए इसके अंदर से। समीर, फिजिकल फिटनेस की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? इसके बिना लाइफ ही नहीं है। अच्छा, पहला सुख अपने पुराने बूढ़े जितने भी वो बोलते हैं, पहला सुख निरोगी काया है। अच्छा, अगर निरोगी काया नहीं है आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो आपको बचपन से आपने कुछ ऐसा माहौल मिला, आपने कुछ अंदर भाव भी उत्पन्न हुए होंगे कि यार मेरे को फिजिकली फिटनेस रहना चाहिए, तो पहली प्रेरणा आपको कहाँ से महसूस होती है, ये प्रेरणा आई आपको? मेरे बड़े पापा। अच्छा, मैं स्कूल टाइम में था जब एक बार उनके साथ मैं जिम गया, ऐसे उनको बुलाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए लगे हुए थे। अच्छा, तो मैं बड़ा उस टाइम में, जिम कल्चर हरियाणा में अपने नया नया लॉन्च हुआ था। अच्छा, बड़ा एक दिन देखा करता, जैसे स्प्लेंडर का क्रेज था अपने टाइम में। अच्छा, ऐसे भी जिम का क्रेज था। मैं गया तो भाई साहब एक्सरसाइज करने लग रहे थे। अच्छा, उन्होंने मशीन में जितने वेट थे उनके ऊपर मेरे को खड़ा कर लिया। अच्छा, और मेरे को खड़ा करके अपने उन्होंने एक सेट लगा दिया, तो मैं बड़ा अमेज था कि भाई साहब में ताकत तो है, इतनी ताकत है कि सारे वेट लगा दिए, मेरे को भी उठा दिया। तो मेरे बड़ा यूं हुआ कि भाई कितनी ताकत हो सकती है आदमी के अंदर, कितना क्या कर सकता है, वो मेरे मन में बैठ गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे गया मैं, जैसे फुटबॉल की तरफ मेरा रुझान था, 2 साल फुटबॉल खेली, इंजरीज की वजह से मैंने फुटबॉल छोड़नी पड़ी सार के अंदर। उस टाइम में आज की तरह नई टेक्निक, आज की तरह से नई कोचिंग या अवेयरनेस नहीं थी, छोटी छोटी इंजरी होती गई, वो बढ़ती गई, वो आज भी तंग करती है। फुटबॉल इसीलिए छोड़ी, इंजरी हुई थी। उसके बाद फिर एनसीसी में गया तो वो फिटनेस मेरे वहाँ का वहाँ पे काम आए। कोई भी गेम खेलने चले जाओ, 60% से 70% अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप वो गेम खेल लोगे, चाहे कोई भी गेम हो। शतरंज से लेके और जिमनास्टिक के ऑल इवेंट तक चले जाओ, अगर आप फिजिकल फिटनेस है आपकी तो आप 70% तक वो गेम खेल सकते हो। बाकी 30% आपकी नेचर, आपका कोचिंग, आपकी टैलेंट, आपकी अक्वायर करने की कैपेबिलिटी, सारी वो काबू आती है 30% में। डाइट उसके बाद रोल प्ले करती है। सुमीर, आप जब प्रोफेशन में आए, प्रोफेशन की अपनी ऑब्लिगेशन होती हैं, अपना एक सिस्टम होता है, उस समय आपने फिजिकल फिटनेस के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया? फिटनेस के लिए सच तैयार करना मैंडेटरी था नहीं हमारा। अच्छा, पर्सनल इंटरेस्ट है। अच्छा, आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो, धीरे धीरे लगे रहो। अच्छा, रेगुलर नहीं कर पा रहे, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन कर लो, महीने में 10 दिन कर लो, उस चीज़ को छोड़ो मत। एक लिमिट पर आके बॉडी टूटने लग जाती है। ठीक है, उस लिमिट को आप एक्सटेंड कर सकते हो, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, आपकी कंटिन्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कंटिन्यू कितने टाइम तक लगे हो, आप लगे रहो शरीर। मैं मेरे ग्रेजुएशन के अंदर जब मैं मेरे पीक पे एक्सरसाइज करता था उससे ज़्यादा वेट आज उठा देता हूँ। अच्छा, रीजन वही है कि कंटिन्यूटी मेंटेन की हुई है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं लगा रहता हूँ किसी भी तरीके से फिजिकल फिटनेस। और कुछ नहीं हो रही तो मैं वॉक करने निकल जाता हूँ, वॉक कर लो, वॉक नहीं हो रही साइकिलिंग कर लो, मौसम गड़बड़ है दबा के खाओ, वर्कआउट के टाइम में फिर वर्कआउट कर डालो, उसको फिर कर ले लिया, लगे रहो। मेन कंसिस्टेंसी रोल प्ले करती है। जितने कंसिस्टेंट आप रहोगे किसी चीज़ के अंदर, वो आपको लंबे टाइम तक पे करेगी। ठीक बात है। तो अभी कितनी तरह की एक्सरसाइज आप जनरली करते हैं? आजकल शुरू चढ़ा हुआ वेट ट्रेनिंग का मेरा। अच्छा, वेट ट्रेनिंग करने लग रहा हूँ, बीच में एरोबिक्स भी करता हूँ, एंकल लिगामेंट की वजह से रनिंग छूटी हुई है मेरी। अच्छा, तो ट्रेडमिल पर रनिंग भी करता हूँ। और साइकिलिंग कितना लंबा लंबा कर लेते हैं आप? साइकिलिंग यहाँ से अकेला मैं भिवानी चला गया था। अच्छा, हाँ, और 125-150 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं है, आम सी बात है, नॉर्मल निकाल लेता हूँ, कोई टेंशन, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर लेके। साइकिल भी आपने बहुत अच्छा लिया हुआ है। और कब लिया था आपने ये साइकिल? ये 3रा साल चल रहा है। कितने का लिया था आपने? 28 के लगभग का था। अच्छा, हाँ, तो खूब मजा आता है इसे चलाने में। बढ़िया, सस्ता रहो बार बार, ओ एक बार बार महंगा रहो एक बार। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जो टेक्नोलॉजी है उस चीज़ को आप किस तरह से एंजॉय करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप यही साइकिल, इसके सारे सेगमेंट आप फायरफॉक्स में ले लोगे, लोकल अपने इंडियन ब्रांड है, लेकिन वो 1 साल बाद टेढ़ी हो जाएगी, गड़बड़ करने लग जाएंगे उसके एसेसरीज, या उसमें वो स्मूथनेस नहीं रहेगी जो उसमें 3 साल से लगातार चलने लग रही है, और अभी 3-4 साल और निकाल लेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
तो आपको आपको फैमिली से क्या सपोर्ट मिलता है अपनी फिटनेस प्रोग्राम के बारे में? फैमिली टाइम देती है और ये अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है। फैमिली अगर आपको टाइम देने लग रही है, जो समझ लो आपके यज्ञ में वो आहुति डालने लग रहे हैं, उसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, संभव नहीं नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। घर से सुबह मान लो मैं अगर 4 बजे निकला, तो दिल्ली में रहते हैं एक आदमी ऐसा भी चाहिए जो उठ के आपको पानी की बॉटल ना दे दो, कम से कम गेट तो बंद कर ले, गेट तो बंद कर ले, उसको पता तो हो आप कहाँ जाने लग रहे हो। आप बाहर निकल गए, आप तो कांस्टेंट ड्राइविंग करने लग रहे हो, मजे लेने लग रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन फैमिली के अंदर ये है कि आप ठीक हो या नहीं हो। आप उस कंडीशन में साइकिल चलाने लग रहे हो, बेचारे फ़ोन करके भी नहीं पूछ सकते जी आप ठीक हो, तो वो डिपेंड करते हैं। 2 घंटे 3 घंटे बाद ब्रेक होगा, कॉल बैक आएगी या मैसेज आएगा, सारा सब कुछ ठीक है, तो पीछे वो यज्ञ चलने लग रहा है, वो ताकत मिल रही है जब भी मेरी साइकिल चल रही है। ठीक बात है, ठीक बात। थैंक यू समीर, वेलकम।